भाई हो गया है जहाज लेट, 3 बज चुके हैं लेकिन जहाज स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई। एंट्री पे खड़े हुए ना, चल ही ऐसा रहा था। भाई हो गया है जहाज लेट, 3 बज चुके हैं लेकिन जहाज स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो रिव्यू स्टार्ट क्या करेंगे आप बताएं? क्यों हुसैन भाई, जहाज लेट हो गया ना, नहीं होना चाहिए था ना। बस क्या करें, तो ये देखें 3 बज रहे हैं, 3 बज के इराकी एयरलाइन बिजी पी है। आप मतलब कहते हैं रिव्यू अच्छा देना चाहिए। मुझे यकीन है कि नजफ में भी जाके जो भी फ्लाइट उतरती है तो क्लियरेंस बड़ी मुश्किल से होती होगी। क्या फिर वापसी में भी उनके उड़ा तो वो जैसे आएगी तो यहाँ से हम टक करके, अरे क्या कहते हैं भाई, ठक ठक करके उड़ेंगे, ये याद रखना कि भाई थोड़ी सी लेट सही पर अब चल पड़ी है तो हम भी चल दिए। गेट नंबर 27 है, गेट नंबर 27 है। ये कह रहा है इसको बंद करो, बस हम जा रहे हैं, बस बंद कर रहे हैं भाई, बंद करो जी। भाई 4:15 फ्लाइट चली है। हुसैन भाई क्या तासुरात हैं? बस इंशाल्लाह बस रवाना हो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त हम जो है ना बस जहाज के अंदर ही घुसने वाले हैं कोई 2-3 सेकंडों के अंदर ही। ये रहा इराकी का जहाज, ये रहा इराकी एयरवेज है, तो बस जल्द है रश तो लगा हुआ है, देखते हैं 3 घंटे में, 3.5 घंटे की, 3.5 घंटे में इंशाल्लाह हम नजफ में उतरेंगे इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई एंट्री पे खड़े हुए, लेट्स होप फूड पड़ा हुआ है यहाँ पर, कह रहा हूँ चल ही ऐसा रहा था। हुसैन भाई नजफ पहुंच गए भाई, तो ये हम पहुंच चुके हैं नजफ, और ये है इराकी एयर। अब हम एंट्री मार रहे हैं ये अराइवल टर्मिनल पे नजफ, और तकरीबन 3 साल बाद मैंने इसमें The mighty
दिस इज कॉल नजफ एयरपोर्ट और माशाल्लाह वेरी नाइस, यानी फुल चिल्ड एसी है और ये वीज़ा ऑफिस है एंड दैट गाय इज डूइंग ऑल द प्रोसेस ऑफ वीज़ा सो लिस्टिंग एंड ऑल। अब वहाँ जाएँ एक्सचेंज मनी काउंटर्स